हाय गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी हमारा जैसे गोडैडी पे अकाउंट होता है, उस गोडैडी के अकाउंट में जो भी डोमेन्स होती हैं, उस एक डोमेन को हम दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी कभी हमको नीड आ जाता है कि हमको ये अकाउंट छोड़ना है, या ये अकाउंट कंपनी का है, इसमें जो डोमेन है वो हमें अपने पर्सनल अकाउंट्स में लेनी है, या व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक अकाउंट से अपनी डोमेन को कैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको एक गोडैडी में लॉगिन करना होगा। ये मेरा दूसरा अकाउंट लॉगिन है गाइस, मैं इसे पहले लॉग आउट कर देता हूँ। तो गाइज, इसमें जो मेरी डोमेन्स हैं वो ये हैं। इस डोमेन में मुझे जो डोमेन ट्रांसफ़र करनी है उसे मैं जोड़ता हूँ गाइज, antlion.com। जो antlion.com है मुझे इसे ट्रांसफ़र करना है दूसरे अकाउंट में, तो मैं इस पे मैनेज पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका सारा डिटेल मिलेगा कि ये कब एक्सपायर होने वाला है, ऑटो रिन्यूअल ऑन है या नहीं, मेरा प्लान्स अपग्रेड करना है, एंड जो भी है वॉट एवर एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ट्रांसफ़र डोमेन टू अनदर गोडैडी अकाउंट, मुझे इस पे लिंक पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमें दूसरे अकाउंट की डिटेल्स भरनी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट की डिटेल फिल करता हूँ, मुझे जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसका मेल आईडी, उसके बाद कस्टमर ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं या नहीं। यदि आपको करंट डोमेन से रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी है वो सारा ट्रांसफ़र करना है तो यस, अदरवाइज नो, तो मैं यस करता हूँ। सब कुछ ही मुझे ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र डोमेन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रांसफ़र डोमेन पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र डोमेन फ्रॉम योर गोडैडी अकाउंट, आप यहाँ पे रीड करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपके मेल पे जो भी है नोटिफिकेशन या एक्नॉलेजमेंट के लिए भेजा गया है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा जीमेल का। जैसे ही मेरा अकाउंट लॉगिन होता है गाइस, फाइनली मेरे मेल पे एक मेल आता है। देखिए, यू हैव पेंडिंग चेंजेस, जो भी है, तो मुझे यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा, योर अकाउंट चेंज आर रेडी फॉर एक्टिवेशन, तो एक्टिव नाउ, ये बोल रहा है कि जो भी रजिस्टर्ड है ट्रांसफ़र करना है, तो एक्टिव नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। एक्सेप्ट इस ट्रांसफ़र, ये मुझे एक्सेप्ट करने बोल रहा है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। सॉरी गाइस, ऑलरेडी एक्चुअली मैं इस अकाउंट में मैं लॉगिन हूँ, तो मुझे यहाँ से लॉग आउट करना होगा। गाइस, वापस से मैं एक्टिव नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वही अकाउंट लॉगिन है, इसलिए पहले हमें ये लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के बाद जिस अकाउंट पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे लॉगिन करना होगा इस लिंक के थ्रू। तो एक्टिव नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं, तब ये साइन इन करने बोलेगा मुझे, तो मैं उस अकाउंट से साइन इन करूँगा जिस अकाउंट में मुझे ये ट्रांसफ़र करनी है। ओके, तो मुझे इस अकाउंट rajputankit22@gmail, ये वाला अकाउंट है, इसमें ट्रांसफ़र करनी है, तो साइन इन करता हूँ। नाउ ये आप पूछता है यस एक्सेप्ट दिस ट्रांसफ़र, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पूछा है ये, तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, सेम इन्फॉर्मेशन रहने देता हूँ।
ऑलमोस्ट डन। आई सक्सेसफुली ट्रांसफ़र टू योर अकाउंट। ओके, मैं अब यहाँ पे अपने डोमेन देखता हूँ। डोमेन पे चलते हैं गाइस। देखिए ये मेरे अकाउंट में अब आ चुका है, ये सारे डोमेन्स के साथ ये डोमेन भी है, और ये डोमेन ना जब हम उस अकाउंट में जाके देखेंगे तो वहाँ से हट चुका होगा जब मैं इसे साइन आउट करता हूँ। गाइस तब मुझे जिस अकाउंट में पहले ये था उसमें मुझे लॉगिन करना है। गाइस देखिए यहाँ पे कोई भी एंटली नहीं है, जो कि अपना था वो ट्रांसफ़र हो चुका है। गाइस देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऑलरेडी टेकन दिखा रहा है, और जो कि उस अकाउंट में है। सो गाइस थैंक यू, यदि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस टाइप के छोटे छोटे वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूं। ओके गाइस थैंक यू अलॉट, बाय बाय।